यह है ठाए ठाए वाली यूपी पुलिस। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान गोली खत्म हो जाए तो मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालने लगती। लेकिन भैया, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बड़ा कारनामा कर दिखाया और पुलिस अधिकारियों को हैरत में डाल दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग लेने और सालों बाद इस पद पर बिताने के बाद भी महाशय को पता नहीं कि गोली कैसे चलाई जाए। सब इंस्पेक्टर ने गोली जब डीआईजी के सामने नली में डाली तो वो भी हैरान हो गए। ये कारनामा देखकर डीआईजी के साथ खलीलाबाद थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी हंसने लगे। पहले अभी पूरा वीडियो दी। वैसे तो यूपी पुलिस अपराधियों के एनकाउंटर का रिकॉर्ड बना, लेकिन उसी यूपी पुलिस का एक चेहरा ये भी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल बस्ती रेंज की डीआईजी आरके भरद्वाज संत कबीर नगर के दौरे पर थे। वहीं जब डीआईजी साहब निरीक्षण पर खलीलाबाद थाना पहुंचे तो उन्होंने थाने में आर्म्स निरीक्षण का हाल देखा। इसके बाद उन्होंने वहां पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पिस्टल, राइफल, टियर गन समेत अन्य हथियार चलाकर दिखाने को कहा। वहीं डीआईजी ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया और हथियार चलाकर दिखाने को कहा। सब इंस्पेक्टर ने उनके सामने राइफल में नली से गोली डालकर उसे चलाने का प्रयास करने लगा। ये देखकर डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक, साथ ही साथ थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। डीआईजी ने इसके बाद कहा कि अगर पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं जानते और पिस्टल तक खोल नहीं पा रही तो जान जा सकती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा। देखने को मिला, देखिए ये एक हम लोगों का एक वार्षिक निरीक्षण होता है जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में लगभग दो हफ्ते पहले हम लोग सूचना दे देते हैं, कभी कभी एक महीना पहले, कि हम लोग उस थाने का, पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज कुछ थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है। आज क्राइम मीटिंग भी ली है और उसके अंदर में कुछ कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो जो खामियां मिली थी उनको बताया गया है। और इंस्पेक्शन का पर्पज़ होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हम अपने अपने अधीनस्थों को कहें कि उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, सुधार लेकर आएँ। निसंदेह मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एसपी साहब ने नोट किए हैं और उसमें निसंदेह सुधारात्मक सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। सर, देखा गया कि कोतवाली में गन ही अपनी ओपन नहीं कर पाए और उल्टी गोलियां नली से डाल रहे थे, क्या ट्रेनिंग में क्या इनको सटीक तरीके से दी नहीं गई या फिर प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है? देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने सब इंस्पेक्टर के द्वारा गोली को नली में डालने पर निशाना साधा। योगी जी, आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या से क्या बना दिया? जिस पुलिस का अपना एक इतिहास रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संत कबीर नगर में देखने को मिला कि वो पिस्टल नहीं खोल पा रहे हैं, चौकी इंचार्ज टियर गन नहीं चला पा रहा है और एक पुलिसकर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी, गोली अंदर भरने के बजाय नली में डाल के चला रहा है। यही आपने पुलिस को
ट्रेनिंग दी इतने दिनों में? आपने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया, सबको बर्बाद करते करते आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया है। भैया जो जवान अपने पास रखी पिस्टल को ओपन नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि आपात स्थिति में वो अपनी जान गंवा सकता। जब बंदूक में गोली उसे खोलने के बाद अंदर के रास्ते में पड़ती है तो नली के रास्ते गोली डालने का क्या मतलब? यूपी पुलिस के जवानों की ऐसी हरकत को देखकर तो आश्चर्य हो। आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।